नमस्कार, न्यूज क्लिक में आज अपनी खास पेशकश में हम आपको ले चलेंगे 35 साल पहले। 35 साल पहले उत्तर प्रदेश में मलियाना में बहाया गया था 72 मुसलमानों का खून। वह खून आज भी इंसाफ की तलाश कर रहा है, आज तक उसका न्याय नहीं हुआ। जबकि उससे कुछ ही किलोमीटर दूर हाशिमपुरा कांड हुआ था। यह दोनों ही नरसंहार किए थे पीएसी ने, सरकार की छत्र छाया में हुआ था यह नरसंहार मुसलमानों का। तब से लेकर आज तक हाशिमपुरा 31 साल बाद कुछ न्याय पाए वहां पर मिला, लेकिन मलियाना के लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। मलियाना के लोग पहुंचे हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, वहां पर उन्होंने दी है याचिका। उन्होंने मांग की है कि इससे जुड़ी हुई तमाम चीजें उनके सामने पेश की जाएं। तकरीबन उस समय जो खबरें प्रकाशित हुई थी उनके मुताबिक 115 से अधिक मुसलमानों को मारा गया, पीएसी ने मारा। तमाम लाशों को कुएं में डाल दिया गया। खबरों के मुताबिक कहा यह भी जाता है कि लाशें जल्दी गल जाएं, सबूत मिट जाएं, इसके लिए नमक और पता नहीं क्या क्या उस कुएं में डाला गया। आज हम बात करेंगे मलियाना पर उन लोगों के साथ जिन्होंने दोबारा न्याय के लिए खटखटाया है अदालत का दरवाजा। हम बात करेंगे पत्रकार कुर्बान अली से। कुर्बान अली उस समय एज अ रिपोर्टर वहां से रिपोर्ट कर रहे थे। उनके दिल में मलियाना और हाशिमपुरा का जख्म बहुत गहरा और ताजा है। हम बात करेंगे विभूति नारायण राय से जो उस समय वहां पोस्टेड थे गाजियाबाद में, और हाशिमपुरा उनकी वजह से सामने आ पाया था। आज वह भी कुर्बान अली और बाकी जो वहां के पीड़ित हैं उनके साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं। हम बात करेंगे वरिष्ठ अधिवक्ता वृंदा ग्रोवर से जिन्होंने हाशिमपुरा की लड़ाई रेबिका जॉन के साथ मिलकर एक परिणाम तक पहुंचाई। सवाल यह है कि 72 इंसानों का खून क्या इंसाफ देख पाएगा? मलियाना हत्याकांड के बारे में आज हम बात करेंगे, और हमारे साथ बात करने के लिए कुर्बान अली जी हैं, विभूति नारायण जी हैं। ये दोनों लोग इस समय गए हैं उत्तर प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट में, वहां पर उन्होंने याचिका दी है, उनकी याचिका स्वीकार हुई है, ताकि न्याय मिल पाए एक ऐसी घटना में जहां बिल्कुल खुलेआम हत्याएं हुई थी, उसकी FIR तक गायब हो गई, चश्मदीद गवाह तमाम रहे हैं, लेकिन इतने साल बीत जाने के बाद भी सिर्फ 3 लोगों की गवाही हुई है, बाकी 35 की संख्या पूरी है। इस पर हम बात करते हैं कुर्बान अली जी, सबसे पहले आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर इतने साल बीत जाने के बाद आप वहां पहुंचे, आप और विभूति जी दोनों लोगों ने वहां याचिका दी है उच्च न्यायालय में, वह भी तब। यहाँ पे हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यह दोनों घटनाएं मलियाना और ठीक उसी समय अंजाम दिया गया था हाशिमपुरा, यह मेरठ के दोनों तरफ है, हाशिमपुरा और मलियाना के बीच। आज की तारीख में अगर आप गूगल में डालेंगे तो पता चलेगा कि 7 से 10 किलोमीटर की ही अधिकतम दूरी है। हाशिमपुरा में बहुत साल लड़ाई के बाद थोड़ी बहुत सुनवाई हुई, वह हम अलग बात करेंगे, लेकिन अभी हम बात करेंगे मलियाना की जिसे तमाम लोग भूल चुके हैं। दरअसल मेरठ में अप्रैल 1987 में बड़े खौफनाक सांप्रदायिक दंगे हुए थे। उस समय रविवार साप्ताहिक के साथ मैं जुड़ा हुआ था और लखनऊ में पोस्टेड था, लेकिन मेरे एडिटर ने कहा कि तुम मेरठ चले जाओ। तो मैं लगभग 3 महीने तक दिल्ली में रहा और रोज मेरठ जाता था और वापस आता था। और ये जो 14 अप्रैल से दंगे शुरू हुए तो ये पूरे मई चले और जून तक चले, और मई में 22 मई को एक ऐसी घटना हुई जिसका भी आपने जिक्र किया कि हाशिमपुरा से तकरीबन 50 मुस्लिम नौजवानों को इकट्ठा किया गया, जानबूझ करके नौजवानों को इकट्ठा किया गया और उन्हें ले जा करके पहली खेप में मुरादनगर में गंग नहर है वहाँ 20-22 लोगों को मार दिया गया गोली से और उनको नदी में नहर में डाल दिया गया। और फिर उसके फौरन बाद
वो कुछ बदहवासी में भाग करके गए दिल्ली सीमा के नजदीक हिंडन नदी पे, दूसरी खेप को वहां 20-22 लोगों को मारा। 42 लोगों के मरने की बात आई, उसमें से 4-6 लोग जीवित भी बचे, कुछ मुरादनगर में जुल्फकार नासिर नाम का व्यक्ति और बाद में वो बाबूदी। और इस मामले का विस्तार से अभी चूंकि हमारे साथ विभूति नारायण राय जी भी हैं वो बताएंगे, वो उस वक्त SSP गाजियाबाद थे और उन्होंने इस मुकदमे की FIR दर्ज करा दी और इसलिए वो मुकदमा चला और दोषियों को सजा हुई 31 साल की जंग के बाद दिल्ली हाई कोर्ट से, और इस वक्त वो आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं, हालांकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी अपील कर रखी। लेकिन इसके दूसरे ही दिन यानी 23 मई को वहां भी PAC की योजना बताते यही है कि उसी तरह की थी कि जिस तरह से हाशिमपुरा से उठाया था लोगों को और कहीं दूर ले जाकर के मार दें, लेकिन वहां जो दंगा हुआ और गोलीबारी की स्थिति हुई तो फिर वो उनको योजना छोड़नी पड़ी और उन्होंने करीब 73 लोग ऑफिशियल रिकॉर्ड के मुताबिक वो PAC की गोलियों से मारे गए। उनमें से काफ़ी लोगों को वहीं एक कुएं में दफना दिया गया, बाकी लोगों को इधर उधर दफनाया गया और इस मुकदमे इस घटना की FIR भी लॉज नहीं हुई। इसके जो एक प्रत्यक्षदर्शी हैं याकूब, उनका कहना यह है कि 2-3 दिन बाद पुलिस वालों ने किसी चीज़ पर दस्तखत कराए और उसमें वो मलियाना के जो स्थानीय लोग थे हिंदू उनके साथ दंगा होना दिखाया गया और PAC इसमें कहीं उसका कोई रोल नहीं आया। जबकि इस घटना के 3 दिन बाद ही जो उस वक्त के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर, उन्होंने कहा कि मलियाना में PAC की गोली से 10 लोग मारे गए हैं। 3 दिन बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने कहा कि 12 लोग मारे गए हैं। फिर बाद में पता चला कि नहीं, 15 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। लेकिन 35 लोगों के मारे जाने की PAC की गोली से की बात जिला प्रशासन ने कबूल की थी और वहां बाद में जो मरने वाले लोग थे उनके लोगों को मुआवजा भी दिया गया। 1 महीने के बाद में गुरशरण लाल श्रीवास्तव जो रिटायर्ड हाईकोर्ट के जस्टिस थे उनकी अध्यक्षता में कमीशन बैठाया गया, उसने अपनी रिपोर्ट भी 89 में दे दी थी। लेकिन मजेदार बात यह है और ये त्रासदी है हमारे इस देश की कि 34 साल हो गए, 800 तारीख उस मुकदमे में पड़ चुकी हैं, लेकिन अभी तक कोई भी एक भी गवाह के साथ गवाही पूरी नहीं हुई है और अब तो वो FIR भी गायब हो गई है जो जिस पे मुकदमा चला था। तो हम, आपने सवाल किया था कि हाई कोर्ट क्यों गए, तो हम हाई कोर्ट इसलिए गए कि जब हाशिमपुरा का फैसला आया तो मैंने और राय साहब ने बैठ करके ये तय किया कि हमें मलियाना के लोगों को भी न्याय दिलाने के लिए कुछ काम करना चाहिए और इसके अलावा साथ ही जो 12 लोग मेरठ और फतेहगढ़ जेलों में मारे गए और जिनकी FIR दर्ज हुई और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग निलंबित किए गए जेल के अधिकारी और पुलिस के अधिकारी, वो मुकदमा भी ठंडे बस्ते में पड़ गया और उनके परिवारजनों को आज तक कोई मुआवजा नहीं मिला। तो हमारी मांग ये है जिसको लेकर के हम इलाहाबाद हाई कोर्ट गए हैं कि एक तो एक SIT का गठन किया जाए, इस पूरे मामले की जाँच की जाए, दोषियों को सजा मिले और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें मुआवजा दिया जाए। जी विभूति जी, आपकी बहुत अहम भूमिका रही कि हाशिमपुरा जिंदा रहा, एक कम से कम जो कत्लेआम हुआ था उस पर FIR हुई और 31 साल लंबी लड़ाई के बाद थोड़ा बहुत ही सही उस पर न्याय कहेंगे अन्याय कहेंगे। आपको क्या लगता है कि मलियाना इतना उपेक्षित क्यों रहा जबकि बहुत ही पास था मलियाना, और मलियाना पर क्यों नहीं कुछ न्याय प्रक्रिया शुरू हो पाई? देखिए, बड़ा स्पष्ट था, ये दोनों घटनाएं बहुत ही खराब घटनाएं थी, हाशिमपुरा और मलियाना। मलियाना हाशिमपुरा से ज़्यादा खराब थी क्योंकि मलियाना में ज़्यादा मुसलमान मरे थे, लेकिन उसमें सिर्फ फर्क ये हुआ कि हाशिमपुरा में PAC से गलती ये हुई कि PAC उनको उठा करके गाजियाबाद ले आई और गाजियाबाद में मैं SP था। जब मुझे घंटा डेढ़ घंटे के अंदर ही जो दूसरी घटना स्थल पर जो कुछ हुआ था उसकी रिपोर्ट मिल गई और मैं भाग के वहाँ पहुँच गया, फिर वो एक लंबी लड़ाई शुरू हुई। थोड़ा अश्लील होगा अपने बारे में खुद ही कहना, लेकिन बहरहाल वो 28-30 साल तक लड़ाई चलती रही और मैं पीछे लगा रहा और अंत में जाके वो एक तार्किक परिणति तक वो लड़ाई पहुँची। मलियाना में क्या हुआ कि वो सब कुछ मेरठ में ही हो गया, मेरठ में ही पहले दंगा शुरू हुआ हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में, फिर PAC ने हस्तक्षेप किया, PAC ने हिंदुओं की तरफ से फायरिंग की और काफी मुसलमानों को मारा। 72-73 का जिक्र अभी हुआ है, मेरे ख्याल से जो वहां जाने से जो इम्प्रेशन मिलता है वो शायद इससे ज्यादा लोग मरे हैं,
लेकिन चलिए अब चूंकि उनके नाम और उनके पते और ये सारे 72 लोगों के ही आए हैं तो ठीक है, हम 72 भी मान लें तो 72 बहुत बड़ी संख्या थी। और ये मेरठ हुआ, मेरठ में ही खत्म हो गया, यानी उसमें जब बहुत दबाव पड़ा तो मेरठ में एक FIR दर्ज कर ली गई हाफ हार्टेडली। वो FIR मैंने, जो वकील साहब इसको डील करते हैं उनसे बैठ के बात किया तो पता चला कि उसमें तो कोई सुनवाई नहीं हो पाती, FIR ही गायब हो गई, दसियों या बीसियों पेशियां पड़ी हैं और हर पेशी पर जाके अदालत यही कहती है कि साहब FIR नहीं दो, ये कैसे इसको आगे बढ़ाए। और जो एक्यूज थे, जो गवाह थे उनमें बहुत से मर गए, कंप्लेनेंट थे उनमें बहुत से मर गए, इतना पुराना मामला हो गया। कुर्बान जी ये बताएं कि 72 लोगों की हत्या हुई, सबके रडार पर क्यों नहीं आई, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या है 72 लोग। तो जब आपने शुरू किया इस पे सारा काम, तो ये बताइए कि कितने लोग हैं अब उन 72 परिवारों में से जिन जो इस मामले को आगे ले जाना चाहते हैं, कितने लोग जीवित हैं? करीब 10-15 लोग ऐसे हैं, उनमें से याकूब हैं जो कि आई विटनेस हैं, उनको गोली लगी थी, और कई लोग हैं, तो अभी काफ़ी लोग हैं। लेकिन जाहिर है कि 31 साल में तो एक नस्ल आप जानती हैं कि बड़ी हो जाती है, जो उस वक्त में बच्चे रहे होंगे 1-2 साल के या पैदा हुए होंगे वो आज 34 साल के हो गए, तो जाहिर सी बात है कि उस वक्त के जो 40-50 साल के लोग रहे होंगे उनमें से ज़्यादातर लोग अब नहीं रहे होंगे, मर गए होंगे। मगर हम ये चाहते हैं कि हम अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, हम कैसे सभ्य समाज में हैं कि दिल्ली जो देश की राजधानी है वहां से 65 किलोमीटर की दूरी पर इस तरह के जघन्य कांडों को अंजाम दे दिया जाता। ये वो दौर था कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि आंदोलन अपने शबाब पर था, और ये जो दिल्ली में एक रैली हुई थी उसके बाद ये मेरठ के दंगे हुए थे, तो उस वक्त में पूरी तरह से समाज बटा हुआ था। डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, SSP वो भी कम्युनल लाइंस पे बटे हुए थे। मुझे ये कहते हुए कोई झिझक नहीं है, लेकिन उस वक्त में विभूति नारायण राय जैसे कर्तव्यनिष्ठ लोग भी थे जिन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई, जाहिर है इनके ऊपर भी दबाव पड़ा होगा, और अगर इन्होंने उस वक्त रिपोर्ट ना कराई होती तो हाशिमपुरा का भी वही हश्र होता जो मलियाना का हुआ है। तो हमारा मकसद ये है कि कम से कम जो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, भाषा जी आप भी पत्रकारिता में हैं, मैं भी हूँ, कि आपके दिल दिमाग पर लिख जाती हैं। मेरे ऊपर भी मलियाना और हाशिमपुरा और मेरठ के वो दंगे जिन्हें 3 महीने तक मैंने चिलचिलाती धूप में कवर किया था, दिलो दिमाग पे ऐसे छा गए हैं कि वो हॉन्ट करते रहते हैं। वो मुझे मेरा जमीर इस बात को कभी गवारा नहीं करता कि मैं खामोश बैठ जाऊं। इसलिए हमने कहा कि एक बार फिर से इस मामले को खोला जाए और शायद इस रास्ते से कुछ न्याय मिल सके। जी विभूति जी, आप थोड़ा याद करके बताइए कि क्योंकि आपने उस समय दखल दिया हाशिमपुरा में, FIR भी उस समय, जब मलियाना के बारे में आपको पता चला और अधिकारी तो एक दूसरे को जानते हैं, राफ्ता रहता है, तो क्या कुछ आपकी बातचीत या संपर्क या कुछ आपने परस्यू करने की कोशिश की कि मलियाना का मामला सीधे सीधे मेरठ के अंतर है? कितना पॉलिटिकल प्रेशर उस समय रहा होगा, रहा था, और आपको लगता है कि मेरठ के जो अधिकारी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पर था जिन्होंने काम नहीं किया? मुझे अभी तक याद है कि एक दिन मैं सर्किट हाउस पहुंचा तो उस समय के उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री गोपीनाथ दीक्षित वहाँ मौजूद थे, और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक अफसर के सस्पेंशन का वो एक तरह से अनाउंस कर दिया कि वो अफसर सस्पेंड कर दिया गया है जो मलियाना में बहुत सीधे सीधे जिसका इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन वो अभी मैं बैठा ही था, मतलब घंटे आध घंटे के अंदर पता नहीं कहाँ से बहुत सारी महिलाएं इकट्ठी हो गई, और वो सारी की सारी वो जो खास तरह के संगठन थे, दुर्गा वाहिनी या इस तरह के, उनसे जुड़ी हुई महिलाएं थी, वो आई और इतना शोर शराबा हुआ सर्किट हाउस में कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ ये सब भूल गए लोग। और मैंने भी बाद में देखा कि उस अनाउंसमेंट का तो कोई फॉलो अप ही नहीं हुआ, कोई ऑर्डर इशू ही नहीं हुआ, खाली वो जो औरतें आई थी वो उसको बचाने के लिए आई, हाँ बचाने के लिए आई थी, वो विरोध में आई और उस अफसर के पक्ष में आई। लेकिन मलियाना को लेकर के जो मेरा जो अकादमिक इंटरेस्ट था और जो खासतौर सांप्रदायिकता को समझने का जो मेरा इंटरेस्ट था, उसके अंतर्गत मैं डॉक्यूमेंट इकट्ठा करता रहा, लोगों से ओरल हिस्ट्री की तरह उनसे चीजें जमा करता रहा, और समय समय पर अपने लेखन में मैंने उनका इस्तेमाल किया। हालांकि मैं खुद उस घटना स्थल पर नहीं गया, लेकिन जो मुझे मेरे स्टाफ ने बताया कि वहाँ एक मस्जिद थी और उसके चारों तरफ आबादी थी, कुएं, एक कुआं या एक या दो कुएं थे, और एक तरह से जब PAC का हस्तक्षेप हुआ उसके बाद मुसलमान भाग करके मस्जिद में छिप गए।
फिर उनको किस तरह ल्योर करके निकाला गया, फायरिंग हुई और पीएसी कवरिंग फायरिंग कर रही थी और जो कम्युनिटी थी हिंदुओं की वो उनके ऊपर हमला कर रही थी और उन्हें मार रही थी। मतलब ये कुल मिला करके एक बड़ा खराब प्रदर्शन था भारतीय राज्य का, जिसको अगर प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन जी इस बारे में किसी ने भी कोई गवाही या कोई एविडेंस नहीं जुटा, ये सब ओरल टेस्टिमनीज रही। नहीं नहीं, ये ओरल टेस्टिमनी तो मेरे पास है ना, लेकिन क्यों नहीं जुटा होगा। एक एफआईआर अंत में दबाव में कायम की गई, उस एफआईआर की विवेचना दी गई होगी, इन्वेस्टिगेशन सीआईडी ने किया है, तो वो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है उसने जरूर बयान लिए होंगे लोगों के, बिना उसके कैसे चार्जशीट अदालत में पहुंची। लेकिन सवाल ये कि सब कुछ गायब कर दिया गया अदालत में, ये दिक्कत है। ये बताना चाहूंगा कि जस्टिस थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस केरला के, इस वक्त मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, उनकी अध्यक्षता में एक कमीशन बना था, पब्लिक कमीशन, और उसमें हियरिंग हुई और उसमें जो आप ये कह रही हैं ये सारी टेस्टिमोनीज उसमें दी गई। इसके अलावा जो श्रीवास्तवा कमीशन था जो सरकार ने अपॉइंट किया, उसमें भी सारी गवाहियां हुई हैं और सारे बयानात ये दर्ज किए गए हैं, 64 से ज़्यादा मुसलमानों के और 18 हिंदुओं के बयान उस कमीशन में दर्ज हुए, इसकी मेरे पास में पुख्ता जानकारी है। बल्कि हमने अपने पिटीशन में ये सारे दस्तावेज अदालत के सामने पेश किए हैं और उसमें ये बताया गया है कि किस तरह से पीएसी ने मलियाना में गोली चलाई, लोगों को मारा, और 10-12 तो अभी आई विटनेस है, अभी उनको जाकर के अगर कोई एसआईटी अगर क्रॉस एग्जामिन करेगी तो वो सारी टेस्टिमनीज आ सकती हैं, लेकिन उसके लिए पॉलिटिकल विल की जरूरत होती है, वो नहीं। अगर हाईकोर्ट ये आदेश कर देती है कि एक एसआईटी बने और एसआईटी का नेतृत्व, एसआईटी का नेतृत्व एक ऐसा आईपीएस अफसर करे, कुछ नाम हम लोगों ने दिए हैं जो ईमानदार आईपीएस अफसर डीजी रैंक से रिटायर हुए हैं, उनमें से किसी को उसका नेतृत्व सौंपा जाए और जुडिशरी उसको सुपरवाइज करे, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उसको सुपरवाइज भी करती रहे ताकि सरकारी दबाव से मुक्त होकर काम कर सके। तो अभी भी हम उम्मीद की जा सकती है कि कोई ना कोई दोषी जो बचा होगा उसे सजा मिले और एक सबक हो कि भाई दोबारा इस तरह की हरकत करने वाले कई बार सोचें। न्यूज क्लिक में आपका बहुत स्वागत है वृंदा ग्रोवर। हम आज बात कर रहे हैं मलियाना के बारे में। मलियाना में न्याय मिले, वहां पर जिस तरह से कत्लेआम हुआ था उस पर अभी लोग गए हैं, 3-4 लोग गए हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट, और वहां पे उन्होंने कहा है कि जो जो मामले हैं उसको सामने लाया जाए, जो आयोग की रिपोर्ट है वो सामने आए। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखती हैं? ये बहुत जरूरी डेवलपमेंट है। देखिए, एक तरह से मलियाना, जैसे हमें याद है 1983 में एक नेल्ली मैसेकर असम में हुआ, कभी किसी ने उसके बारे में कोई केसेस नहीं हुए, कोई इंक्वायरी हुई नहीं हुई। ये बहुत लार्ज स्केल ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस होती है स्टेट की तरफ से। हमें मालूम है कि हिंदुस्तान में बार बार ऐसे हादसे होते हैं, ऐसे स्टेट इम्प्यूनिटी बढ़ती है। अगर उनका कुछ जवाबदेही नहीं होगी, अगर कोई सवाल ही नहीं पूछे जाएंगे, अगर हम इतना भी नहीं करेंगे कि एक इंक्वायरी होके पता तो चले किसने किया, कैसे किया, किसके साथ हादसा हुआ, किसको मारा गया, तो फिर तो बिल्कुल खुली छूट है। मलियाना और हाशिमपुरा में एक बात पर तो किसी को कोई संदेह नहीं है कि जिनको मारा गया वो निर्दोष थे, उनका कोई लेना देना नहीं था, कोई किसी क्राइम में इन्वॉल्व नहीं थे, वहां पे रायटिंग चल रही थी। मगर ये लोगों को इसलिए नहीं मारा गया क्योंकि वो रायटिंग में इन्वॉल्व थे, उनको इसलिए टारगेट किया गया कि क्योंकि वो मुसलमान थे। हाशिमपुरा में हम जानते हैं कि प्रोविंशियल आर्म्ड कॉन्स्टेबलरी का एक बटालियन ने उनको मारा है। उस बात का को निकालने में हमें 31 साल अदालतों में पुलिस इन्वेस्टिगेशन में निकल गए। मलियाना में जैसे आपने कहा इससे भी बदतर हुआ, मगर आज तक हमारे पास ना तो वो नाम है ना आंकड़े हैं, और आंकड़े सिर्फ नंबर के लिए नहीं पर जानने के लिए कि कितना ग्रीवस, कितना सिवियर ये असॉल्ट था लोगों के ऊपर। वो कौन लोग थे, वो जो हिंदुस्तानी मारे गए किन्होंने उनको मारा, और किन की छत्र छाया में आज तक उनके नाम नहीं सामने आए, किसी ने कोई पूछताछ नहीं की।
तो अगर इस सब बातों को छुपाया दबाया गया है पूरे स्टेट के मसले से, तो आज भी वो बातें एक नासुर बन के हैं और उनका सच जानने का हम सबको हक है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि यूपी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की सरकारें हो चुकी हैं, मगर क्यों किसी भी पार्टी को इसका सच जानने में इंटरेस्ट नहीं है। बहुत बार हम जैसे लोगों को जो इंसाफ की लड़ाई लड़ते हैं, हमें किसी ना किसी पार्टी के मत्थे मारा जाता है, जबकि हम लोग बिल्कुल किसी पार्टी से हमारा कोई लेन देन नहीं होता। ये हाशिमपुरा मलियाना तो वहां पर कांग्रेस की सरकार थी उस समय, फिर भी हम लोगों ने लड़के उस सच को लड़ा। यूपी में कितनी सरकारें आई, वो रिपोर्ट जो एक आयोग बिठाया गया उसकी रिपोर्ट आज तक सार्वजनिक नहीं हुई, क्योंकि रूल ये मांगता है कि उसको पहले असेंबली में पेश किया जाए। तो क्यों किसी पार्टी को उसको असेंबली में मंगवाने की जरूरत नहीं महसूस की? मलियाना और हाशिमपुरा के बीच में जो किलोमीटर है वो सिर्फ 10 से भी कम है, 7 से 10 किलोमीटर अगर टेढ़े रास्तों से जाए तो 10, और अगर सीधे गूगल मैप से जाए तो 6.7 पड़ता है। इन दोनों में जहां, और मलियाना में खासतौर से, जहां पर 72 मुसलमान, मतलब अभी की तारीख में, उस समय जो पहले रिपोर्ट छपी थी वो 115 से 120 रिपोर्ट थी, जिसमें बोला भी गया, कुछ मुख्यमंत्रियों ने माना, प्रधानमंत्री राजीव गांधी वहां गए, सब कुछ हुआ। आपको क्या लगता है ये 72 मुसलमान मारे गए कुछ भी क्यों नहीं हुआ, जबकि इतना कम फासला दोनों के बीच में रहा, FIR तक नहीं है? वो कहते हैं ना कि वो सच अपना कोई रास्ता कभी कभी ढूंढ लेता है। आई थिंक ये जो कॉन्ट्रास्ट है ये एक इशू की तरफ हमारी नजर फेंकता है। इट इंडिकेट्स टू अस दैट आर इंस्टीट्यूशनल मशीनरी इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू ब्रिंग एंड एक्सकवेट द ट्रूथ। देर आर सर्टन कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिससे अचानक हमें सच मिल जाता है। ये जो हाशिमपुरा में के लोग थे, इन्हें जब गोली मारी गई गंग नहर वगैरह के पास और इनकी लाशों को नदी में बहा दिया गया, उनमें से एक लाश बहते बहते दिल्ली की कल्याणपुरी तक पहुंच चुकी थी। खुशकिस्मती से गोली लगने के बावजूद 5 लोग जिंदा बच गए, उनमें से एक भागकर अपने एक अंकल मामा के पास कहीं पहुंचा जो उस समय चंद्रशेखर या किसी को जानते थे, और वो चंद्रशेखर साहब उनको शाहबुद्दीन साहब के पास ले गए। दीज आर ऑल लिटिल लिटिल इंसिडेंट्स विच आर नॉट पार्ट ऑफ एनी इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है वो अपने आप में बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। वो क्योंकि वो शाहबुद्दीन साहब को जानते थे तो वो शाहबुद्दीन साहब के सामने पहुंच गया। शाहबुद्दीन साहब ने इस बात को, इस मसले को मीडिया के सामने रखा और वो बहती हुई लाशें दिख गई, इसलिए ये मसला उठा। ये इसीलिए मैं कह रही हूं इसमें मलियाना इतना खुशनसीब नहीं था। मलियाना में जहां तक मेरी जानकारी वो बहुत सीमित है, वहां पर लोगों को वहीं मार दिया गया, कुएं में डाल दिया गया, और वहां उस कुएं के अंदर फॉस्फोरस पाउडर और नमक डाला गया ताकि बॉडीज जल्दी जल्दी डीकम्पोज हो जाए। और क्योंकि पूरे सिस्टम और स्टेट की मशीनरी में किसी को भी इंटरेस्ट नहीं था कुछ पूछने का कि 70-72 जितने भी मुसलमान मर गए, किसी ने पूछताछ ही नहीं की, और सब दफना दिया गया। सत्य को दफनाया गया, क्योंकि जो हाशिमपुरा की भी बॉडीज हैं आज की तारीख में, डेथ विद डिग्निटी वगैरह वगैरह की बड़ी बातें चल रही हैं, हाशिमपुरा में मारे गए लोगों की लाशें वापस नहीं दी गई उनके परिवारों को, उनको दफनाया नहीं गया, उनको क्रिमेट किया गया ताकि, और उसके बाद आपके पास क्या सबूत रहेगा उन लाशों का। तो ये जो सिस्टम है वो सच को दफना रहा था जी। तो आपको लगता है कि मलियाना में दोबारा दरवाजा खटखटाने से कुछ लाभ मिल सकता है? मुझे लगता है उसका लाभ पूरे देश के लिए है। क्यों हुआ, किसने किया, किस किसने इस सच को, इन तथ्यों को दबाया, उस बात का सामने आना जरूरी है। हो सकता है कि हम विशेष क्रिमिनल अकाउंटेबिलिटी किसी इंडिविजुअल की ना डाल सके, मगर पता तो चले इस देश में कि ये सिस्टम कितने दशकों से सड़ा हुआ है, ताकि हम अगर इसका कुछ बदलाव चाहते हैं
तो पहले उस सच को हमें स्वीकार करना होगा। जी शुक्रिया न्यूज़क्लिक से बात करने के लिए।